जय श्री राम। दोस्तों, ज्योतिष में एक बड़ी ही कॉमन समस्या है या क्वेरी है, मुझे ये कहना चाहिए कि हर एक ग्रह की दो राशियां होती है, सूर्य चंद्रमा को छोड़ के और राहु केतु को छोड़कर। अब होता क्या है कि कई बार कुंडली में एक ग्रह की एक राशि शुभ भाव में गई, त्रिकोण में गई, केंद्र में आई, और दूसरी राशि 6, 8, 12 में चली गई। अब व्यक्ति परेशान, ये दुविधा कि इसको मैं शुभ मानू कि अशुभ मानू, और बात सही है। तो ऐसी स्थिति में उसका फलित कैसे किया जाता है, इस बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप उसे देखिए, अपनी पत्रिका पे लगाइए और बताइए आपको किस प्रकार का परिणाम मिला। तो और विलंब न करते हुए आइए सीधे चलते हैं उस वीडियो की ओर। सबसे पहली क्वेरी मेरे पास, एक जो मुझे नजर आई, मैंने आपको पोस्ट करी कि किस ग्रह का दान करना चाहिए, किस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए, ये सवाल आया। और एक ने पूछा ग्रह एक अच्छे, उसी क्वेश्चन का एक अगला पार्ट है, ग्रह एक अच्छे और एक बुरे भाव का स्वामी हो तब फल कैसे मिलेगा, वीक हो तो दोनों के फल बुरे होंगे और स्ट्रांग हो तो दोनों के फल अच्छे, ये एक क्वेरी पूछी है। तो इन तीन दो सवाल में से मैं इसको क्वेश्चन ए मान रहा हूं, किस ग्रह का दान देना चाहिए, किस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए, और दूसरा पार्ट ग्रह एक अच्छे और एक बुरे भाव का स्वामी। आप क्या चाहते हैं मैं किसका आंसर दूं, ए और बी? तो आप उस हिसाब से सोचिएगा जो अभी आपको समझ में आ रहा है। तो ए या बी में से कुछ भी एक लिखकर मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। सुधीर, ऋचा जी, संदीप, राखी, बुबना और योगेश, ऑलमोस्ट सभी ने एक ही बोला, जो मैं मुझे पता था वही बोलेंगे कि बी का आंसर आप कर दीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेरी है जो उन्होंने, जिन्होंने भी पूछा था कि, और ये कंफ्यूजन काफी लोगों को होता है कि एक प्लैनेट एक चार्ट में एक अच्छे और एक बुरे दोनों घर का स्वामी बन जाता है, ऐसे में उसके वीक होने पे क्या दोनों घर कमजोर होंगे और क्या उसके स्ट्रांग होने पे दोनों घर स्ट्रांग होंगे। इस क्वेरी का आंसर मैं थोड़ा आपको स्क्रीन शेयर करके समझाता हूं। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि किसी भी घर की जब हम बात करते हैं तो उसके भाव को देखते हैं, जैसे मान लो मदर की बात करें तो फोर्थ हाउस को देखेंगे, फिर उसके लॉर्ड की बात करते हैं, भावा लॉर्ड की, और फिर हम बात करते हैं कारक की, राइट? अच्छा, अब मान लीजिए मैं एक ये चार्ट बना रहा हूं आपके सामने। इस चार्ट में, जो चार्ट अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मिथुन लग्न का है, जेमिनी असेंडेंट। इसमें क्या होता है, यहां पर 10 आता है, यहां पर 11 आता है। तो जो क्वेरी थी कि एक ग्रह एक अच्छे और एक बुरे दो घर का मालिक बना, तो इस कुंडली में शनि हमारा नाइन्थ लॉर्ड बना, जो कि कुंडली का बहुत ऑस्पिशियस हाउस है, और वो 8th लॉर्ड भी बना, राइट? तो पहली कंडीशन जो उन्होंने बोली थी वो मैंने इस चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की कि ऐसा केसेस आते हैं, ये हो गया, कर्क लगन में गुरु हो गया, सिंह लगन में गुरु हो गया, ये आपका मकर लगन में बुध हो गया, कुंभ लगन में बुध हो गया, बंदा कंफ्यूज इसको अच्छा मानू कि बुरा मानू, क्योंकि एक तो अच्छा घर ले रहा है, एक ये बुरा घर ले रहा है। तो पहले तो इस बात को समझिए कि कभी भी जब हम किसी हाउस की बात करते हैं, मान लीजिए मुझे अगर यहाँ भाग्य की बात करनी है 9th हाउस की, तो 9th लॉर्ड इज नॉट द ओनली थिंग विच आई नीड टू कंसीडर। मैंने पहले ही उसको तीन पार्ट में बांटा हुआ है कि भाग्य की बात करूंगा तो मैं भाव भी देखूंगा कि भाव में कौन बैठा है, 9th हाउस में कौन है, 9th को कौन देख रहा है, फिर लॉर्ड भी देखूंगा और कारक भी देखूंगा। अब अगर उसमें से एक पार्ट डैमेज हो भी गया, सपोज भावा लॉर्ड डैमेज हो गया हमारा, तो मेरे पास भाव तो बाकी है, मेरे पास कारक भी बाकी है, तो मेरे पास तो है अभी सोर्सेस देखने के लिए कि हाँ नहीं, अभी पिता के लिए, अगर 9th की बात हो तो मैं कहूंगा पिता के लिए अभी मैं 9th हाउस को देख रहा हूँ, वहां शुभ ग्रह बैठे हैं, 9th का कारक सन अच्छा बैठा है, तो मैं क्यों कहूंगा कि वो घर कमजोर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे पास एक ही सोर्स नहीं है स्ट्रेंथ देखने का। दूसरा सवाल, वो कहते हैं अगर दो के स्वामी है तो इसका फल कैसे देखें। होता क्या है कि जब कभी भी दो घरों के मालिक हो तो पहले तो ये देखें कि मूल त्रिकोण राशि किस घर में है, मूल त्रिकोण राशि किस भाव में है।
इस मूल त्रिकोण मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी वो फ्रेंडशिप के टाइम पर। मैं फिर याद दिलाता हूं कि शनि की सेकंड राशि मूल त्रिकोण होती है यानी 11 नंबर। नाउ इन दिस चार्ट 11th साइन और एक्वेरियस साइन पोजिटेड इन दी नाइन्थ भावा, इन एन ऑस्पिशियस भावा। बिकॉज ऑफ दैट आई नीड टू से कि भैया जेमिनी असेंडेंट के लिए शनि अच्छा ग्रह है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी जो नौवें घर में राशि आई वो मूल त्रिकोण है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कन्या लग्न बनाऊं, आप लोग अपने पास बनाइए एक बार कन्या लग्न की कुंडली। थैंक सैटर्न 6th और 7th का मालिक हो जाएगा। यू। 6th और 7th, 5th और 6th, राइट? यस सर। जी जी सर, सर। फिफ्थ और जी सर। सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ। अब क्या है कि यहां पर मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर आई 6th हाउस में। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि क्या कन्या लगन में शनि ज्यादा शुभ है या मिथुन में, तो मैं बोलूंगा मिथुन में, क्योंकि मिथुन में मूल त्रिकोण राशि 9th हाउस में आई, यहां पर 6th में चली गई मूल त्रिकोण राशि। ठीक है, तो जब कोई ग्रह दो राशि का स्वामी होता है उसकी मूल त्रिकोण राशि देखिए, ये एक तरीका है। इसके बाद ये देखिए कि उस कुंडली में शनि कहीं ना कहीं बैठा होगा, वो किस ग्रह से ज्यादा अच्छी पोजीशन पर है। ये मैं सवाल गुंजन आप बताइए, शनि यहां बैठा है ओके, किसी कुंडली में, इसी कुंडली में, तो मुझे बताइए कुंभ राशि से वो कितने घर दूर बैठा है, अगर मैं कुंभ से गिनते हुए आगे बढ़ूं। 5 सर। 5, ठीक है। आपने कहा तो ये एक्वेरियस से तो 5th हाउस में गया है, और अगर मैं कैप्रिकॉन से देखता हूं तो वहां से ये 6th गया है, राइट? अच्छा, अब इन दोनों में से 5th और 6th में से हम जानते हैं कि 5th में जाना ज्यादा अच्छा बताया गया है ना, 5th हाउस को ज्यादा अच्छा मानते हैं, 6th को इतना अच्छा नहीं मानते। तो यहां पर ये शनि 6th को ज्यादा फेवर करेगा, बिकॉज सैटर्न इज फेवरेबली पोजिटेड फ्रॉम 6th हाउस, और इसकी वृद्धि कम कर पाएगा 5th हाउस की, क्योंकि 5th से वो 6th में चला गया, वहां से वो बुरे भाव में गया। ठीक है, तो जब कभी भी कोई एक ग्रह दो राशियों का स्वामी बनता है और एक अच्छे और एक बुरे घर में आए, तो इन दो बातों को विशेष रूप से देखिए, कहां से कहां बैठा है, किस घर से ज्यादा अच्छा बैठा है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि कहां। और जैसे मैंने ऊपर वाली तीन बातें बताई कि कोई अगर एक घर का मालिक पीड़ित हो भी गया, मान लीजिए किसी की कुंडली इसी कुंडली में 7th लॉर्ड भी गुरु बनेगा और 4th लॉर्ड भी गुरु बनेगा। अब अगर इस कुंडली में गुरु पीड़ित हो गया तो हम क्या ये कहें कि माँ और पत्नी दोनों भी, माँ और पत्नी दोनों ही पीड़ित हो गए या उनमें से कोई एक पीड़ित हुआ। अब इसको देखने के लिए हम इस पर आएंगे, हम देखेंगे 4th में कौन है, हम देखेंगे अगर 4th में अच्छे ग्रह बैठे हैं, 4th का कारक यानी मून माँ का कारक अच्छा बैठा है, तो हम कहेंगे माँ को दिक्कत नहीं है इस कुंडली में, गुरु के पीड़ित होने से पत्नी को शायद दिक्कत हो। फिर पत्नी वाले घर यानी कि 7th हाउस पर आ जाएंगे, 7th में कौन बैठा है, वीनस कहाँ बैठा है, अगर वो भी पीड़ित, अगर पीड़ित मिल जाते हैं तब हम कहेंगे हाँ ये लाइन पत्नी पर लगेगी। तो जब कभी भी एक ग्रह दो राशियों का स्वामी हो तो उसको इस तरह देखना है, और अकेले क्योंकि भावा लॉर्ड की जिम्मेदारी नहीं है भाव के फल देने की, इसलिए दोनों पर ध्यान दीजिए। अब अगले सवाल पर आते हैं। ये जो मैंने अभी बताया इस पर कोई डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए कि हाँ मुझे इसमें डाउट है कि ये आपने क्या। सर, अगर लगन का स्वामी मतलब एक्वेरियस लगन हो तो 12th में भी होगा, दो राशि दो हाउस होंगे ना उसके, 12th एंड फर्स्ट, तो उसमें हाँ कैसे, और वो जाके अगर 12th में बैठ गया शनि, फिर कैसे देखेंगे? हाँ 12th और फर्स्ट होगा, ठीक है, और 12th में वो अपने घर का बैठ गया है ना, तो वो अपने घर का बैठ गया तो 12th के ज्यादा अच्छे फल देगा, क्योंकि तो जिस घर में बैठा है उस घर के ज्यादा अच्छे फल देगा, लगन से वो 12वां ही माना जाएगा। ठीक है, और वहां पर जाने के बावजूद क्या वो कमजोर हुआ, आपने हमने ये तो कह दिया 12वें चला गया, ध्यान से समझिएगा, वो कहने कुंभ लगन की कुंडली है और लगन का स्वामी 12वें घर में, ठीक है जी 12वें घर में, लेकिन 12वें में भी तो अपनी राशि का बैठा है, तो हम वहां पे उसे कमजोर ना तो लगन के लिए मानेंगे ना हम उसे 12th के लिए आशा मानेंगे। करता हूं कि आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो।
अब इस पत्रिका के बारे में बात करते हैं। आप लोग बताइए कि इस पत्रिका में शुक्र को आप शुभ लेंगे या अशुभ? उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। फलित में भाव चलित का क्या रोल है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप ऊपर दी गई वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।